मैं भूरी सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट शिवसेना बाला साहब ठाकर रियासी, मेरे साथ संतोष कुमारी महिला प्रेजिडेंट शिवसेना रियासी, और साथ में उत्तम सिंह जी है जो कामकरणी सेना के हैं प्रधान रियासी के, साथ में शेर सिंह जी हैं, बलवीर जी हैं, और भी एक लड़का हमारा शिव सैनिक से हैं। आज का जो हम ये मीडिया वार्ता जो कर रहे हैं, ये हमारे राज्य प्रमुख श्री मनीष सहनी के आदेश के अनुसार यहाँ आज हमने कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले रियासी अपडेट का अंचल जी का आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने हमें आज मौका दिया। हमारा सबसे पहले 6 तारीख को छड़ी यात्रा 39वीं छड़ी यात्रा इसी जनाना पार्क से निकलेगी, करीबन 3 बजे के निकलेगी यहाँ से। जो हमारे रियासी के जितने भी हमारे लीडर साहबान से हैं, शिव सैनिक से हैं, पब्लिक से हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कम से कम लास्ट टाइम तक 2 बजे तक यहाँ पहुँचे। यहाँ से 2 बजे से यहाँ मार्च होगी, बाजार से होते हुए हमारे डीसी ऑफिस में जाएगी। डीसी ऑफिस में हमें डीसी साहब से पहले ही रिक्वेस्ट कर दिए रखी है, चिट्ठी दे रखी है, और कि हमारी जो फ्लैग ऑफ वहाँ डीसी साहब खुद आएँ और हमारी छड़ी यात्रा को फ्लैग ऑफ करें कटरा के लिए। उधर से जम्मू से भी हमारी यात्रा वहाँ 6 और 7 के बीच में वहाँ कटरा में पहुँच जाएगी। वहाँ हमारे आने वाले जो BVIPs हैं, वो MP और MLAs भी वहाँ पे हैं, वहाँ पर पे उनका हम भव्य स्वागत करेंगे। स्वागत के साथ साथ हम वहाँ पे 1-2 इशू अगर मौका मिला तो उनके पक्ष में रखा जाएगा। सबसे पहला पक्ष होगा कि हमारी जो माइनिंग की जो माइनिंग हमारा जो काफ़ी सालों से चल रहा है माइनिंग का रेट का, कुछ सर्कुलर जारी हुआ है गवर्नर हाउस से, पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के चनका का जो एरिया है उसमें 54वीं रेट कम नहीं हुआ है, जो कि नाले की बजरी और रेता एक्सेप्ट उसको कचरा शिर को छोड़ करके ये हम वहाँ पे मुद्दा रखेंगे। और उसके बाद हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मुद्दा संसद में उठाया जाए। और इसके बाद दूसरा मुद्दा जो हमारा वहाँ पे होगा डेली वेजरों का जो मुद्दा जो होगा हमारा, अब 62,000 से ऊपर लोग कई सालों से अपने बेचारे 6,000-7,000 से अपने रोजी रोटी, वो भी साल डेढ़ साल के बाद मिलता है, जिसके लिए कि हम उसके लिए अपील करेंगे अपने जो अपने लीडर साहबान वहाँ आए होंगे कि ये भी मुद्दा उठाया जाए संसद के ऊपर। और लास्ट में हमारा ये मुद्दा, लास्ट में जो बातचीत होगी हमारी, कि जो हमारे जो यूथ है, यूथ रियासी का जो यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारे रियासी के अंदर, जो जितना भी जो फिल्म इंडस्ट्री है इस महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए इस वक्त शिवसेना के सारे अंडर में कार्यकर्ता काम करते हैं, और हम वहाँ भी ये भी अपील करेंगे कि जो हमारे रियासी के जो यूथ हैं जो एक्टिव में मतलब एक्टिव में फिल्म इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए एक जहाँ कंपटीशन करवाया जाएगा। और हम लोग वहाँ से अपील करेंगे उनको, महाराष्ट्र के जो जितने हमारे MLA या MPs जो आए होंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि रियासी के अंदर भी कोई पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 या 2 आदमी जहां से ऐसे सिलेक्टिव करके उनको जो मौका दिया जाए। और इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन से MLA और MP यहां पर आ सकते हैं और कितनी संख्या में आ सकते हैं, और क्या इससे पहले भी महाराष्ट्र से जब भी आपकी छड़ी यात्रा होती है थोड़ा उसका भी इतिहास बताएं, और पहले भी MP और MLA जो हैं पहले भी आते रहे हैं माता वैष्णो देवी के? बिल्कुल अंशी जी, पहले भी आते थे और जो हमारे दर्शन करने के लिए आते थे, फिर मीटिंग होती थी, जो जितनी समस्या होती थी हमारी स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट की होगी, और आते रहे। ये 39th यात्रा में यहाँ पे हमारे लीडर आते रहते हैं और चलते रहते हैं। जी, अभी क्या जानकारी है कौन कौन यहाँ पे? अभी तक हम लोगों को कल ये क्लियर हो जाएगा हम लोगों को कि कल तक वहाँ से जो लेटर सर्कुलर जो जारी होगा महाराष्ट्र से बॉम्बे से जो सर्कुलर जारी हो जाएगा, कल हम लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन से मिनिस्टर और कौन कौन से आएंगे। अभी तक हमारे पास कोई मैसेज या ईमेल नहीं आया है जिसके लिए हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। और कहां से ये यात्रा जो छड़ी यात्रा है वो निकलती है? एक तो आपने कहा कि जम्मू से निकलेगी, रियासी से जनाना पार्क में, जिसके लिए आप ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्टों से निकलती है, जम्मू से वहां हमारी छड़ी यात्रा निकलती है, छन्नी से होते हुए जम्मू से होते हुए रियासी, उधर उधमपुर से भी और कठुआ से भी, सांबा, RSपुरा, अखनूर, सबसे हमारी छड़ी यात्रा आती है। और ऑल स्टेट के जितने प्रेजिडेंट होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो भी उसके साथ शामिल होते हैं, वो भी आते हैं। और मैं अपने जो उत्तम सिंह जी हमारे कामकरणी सेना के प्रधान, मैं इनसे बोलूँगा कि अपने विचार रखें। मैं उत्तम सिंह, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट कामकर सेना,
और मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट का कामकर संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। और आज जो हमारा जो प्रेस करने का जो मुद्दा है वो है हमारा जो छड़ी यात्रा को लेकर। अब हमारी छड़ी यात्रा ये बाला साहब ठाकरे ही हर साल निकालते हैं, और बाला साहब ठाकरे के माननीय बाला साहब ठाकरे ने जो छड़ी यात्रा जो है ये अब 6 अक्टूबर को निकाली जा रही है। इस छड़ी यात्रा में हमारे पंजाब से और हरियाणा यूपी और इसके साथ महाराष्ट्र से भी अधिकारी आ रहे हैं। इसमें तमाम शिवसेना में रियासी और जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम से जे एक दरख्वास्त करता हूं कि आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और आएं और माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी भरें और पुण्य के भागी बढ़ें। जय माता दी। क्या शिवसैनिक ही इसमें भाग लेते हैं या कुछ और लोग भी इसमें शामिल होते हैं? इसमें आम पब्लिक आ सकते हैं और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी हाजिरी भरें, पुण्य के भागी बने। जय माता दी। गुरु सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि रियासी के जनाना पार्क से 6 अक्टूबर को आपने कहा कि इस छड़ी यात्रा की शुरुआत होगी और फिर ये कटरा जाएगी और जम्मू से या फिर अन्य क्षेत्रों से भी छड़ी यात्रा कटरा पहुँचेगी। उसके बाद आपने कहा कि जो अधिकारी हैं वो भी पहुँचेंगे, वो कहाँ पर पहुँचेंगे और कहाँ से वो आपकी छड़ी यात्रा को आगे के लिए रवाना करेंगे? सबसे पहले हमारे जो अधिकारी हैं महाराष्ट्र बॉम्बे से जो आएंगे वो सबसे पहले जम्मू आएंगे। जम्मू आने के बाद फिर जो स्थानीय यहाँ प्रशासन भी क्या आपकी छड़ी यात्रा को हरी झंडी दिखाएगा? हमने अपने तरीके से जो जितनी चिट्ठी लेटर होते हैं डीसी सर को दे दिया है, एडी सर से हम मिल गए हैं, उनको हमने जो लेटर जो मेमोरेंडम है वो सबमिट कर दिया गया है हमारी तरफ से। और बाकी जम्मू में भी आईजी साहब को सबको मतलब कि जितने भी हमारे स्टेट के हैं उनको सबको लेटर चिट्ठियां वगैरह दे चुकी हैं। अब प्रशासन की जिम्मेवारी है कि क्या हम हरी झंडी दिखाते हैं, देते हैं, नहीं देते हैं, अभी उनकी ऊपर डिपेंडेबल है। जी जी, तो यहां जनाना पार्क से आगे कहां कहां जाएगी छड़ी यात्रा और फिर क्या वाहनों में कहां पर बैठेगी, क्या बस स्टैंड से वाहनों में बैठकर आगे रवाना? अच्छा जी, हमारी ये जनाना पार्क से ही यहाँ इकट्ठे होंगे। 12 से 12 बजे तक तो हमने अपील किया है, लेकिन अगर 2 बजे तक भी यहाँ पहुँच जाएंगे तो 3 बजे यहाँ से मार्च करेंगे हम, जनाना पार से मार्च करेंगे। यहाँ से एक से बाज़ार से होते हुए आगे नीचे जाएंगे चबूतरा से, चबूतरा से ऊपर बाज़ार से होते हुए सीधा डीसी दफ्तर, डीसी दफ्तर में फिर वहाँ पे हम डीसी साहब को एक चुनी से लगा करके उनको सम्मानित करेंगे और फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी छड़ी यात्रा को हरी झंडी दें, फ्लैग ऑफ करें और कटरा के लिए। कटरा के बाद फिर हम लोग वहाँ से वहाँ पे भी भव्य स्वागत होगा जो हमारे BPIPIs वहाँ आएंगे। उसके बाद होने के बाद सीधा हमारा भवन के लिए पवित्र छड़ी हमारी वहाँ से हो जाएगी। 7 बजे के करीब करीब भवन में पहुँचेंगे और जो हमारी शिव सैनिक जिनके पास टिकट नहीं है, जो लोग बिना हमारे कार्ड के होंगे उनको भी यहाँ पे हम 10 बजे से शुरू कर देंगे 6 तारीख को, कि यहाँ से भी उनको एक टिकट वगैरह दे दी जाएगी। उनको VVIP के दर्शन के मावता जो जाएंगे उनको VIP दर्शन ही होंगे। ये 30 आदमी की परमिशन हम लोगों को अधिकारी में भी मिल चुकी है श्राइन बोर्ड की तरफ से, इससे ज़्यादा उन्होंने अनुमति नहीं दिया। जो दर्शन करना चाहते हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिवसेना मैं भूरी सिंह के साथ रहें और साथ छड़ी के साथ चलें। वहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है, 3-3 दिन दर्शन नहीं होते अधिकारी के अंदर। तो मैं फिर लोगों को जितने भी रियासी डिस्ट्रिक्ट के हैं जो इस श्रद्धा रखते हैं माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं वो इस छड़ी यात्रा में योगदान दें और यहाँ पे आएं और इसके साथ हम अपने सनातन धर्म का उच्च कोटि से उसका सम्मान किया जाए। कोविड का भी, नियमों का भी, SOP का भी क्या पालन किया जाएगा, क्योंकि वो भी बेहद जरूरी है, थर्ड वेव की भी आशंका कहीं ना कहीं जताई गई है। बिल्कुल अंची जी, हमने कोविड की भी गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की भारत सरकार की जो भी है वो हमने सभी को सर्कुलर में जारी कर दिया है कि वो अपना अपना मास्क और अपने अपनी जो सैनिटाइजर्स और ये सब डिस्टेंस वगैरह जितनी भी कोविड की जो है वो उनको पालन करेंगे। हमारा माइनिंग को लेकर आपने कहा कि एक कोई सर्कुलर जारी हुआ था लेकिन रेट डिस्ट्रिक्ट रियासी में कम नहीं हुए हैं, क्या मालूम करने की कोशिश की आपने कभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो DC रियासी हैं उनसे पता करने की या किसी और अधिकारी से कि आखिर रियासी में कब रेट कम होंगे, क्या जानकारी आपको? हमारे जो आल पार्टी एसोसिएशन के साथ पहले हम लोग चल रहे थे, मैं जो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी था आल पार्टी एसोसिएशन का, उसके बीच में जो हमारे अधिकारी जो हमारे साथ जो BJP के उसके साथ जुड़े हुए थे हमारे साथ, तो उन्होंने बोला था कि मंडे तक, वो तो कई मंडे निकल गए हैं अभी तक उस रेट का। देखो जी, हमने सोचा था पहले तो इन्होंने बड़ा बड़ा फंक्शन कर दिया, हम लोग भी खुश हुए, लेकिन जब मैंने रेट को एनालिसिस किया जो नाले की बजरी और रेता है वो जनाब 1.54 भी कम नहीं हुआ है, वो 9 रुपये है और GST लगा के 11 रुपये है, जबकि बाकी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जम्मू में वो 4 रुपये हैं, 3-4 रुपये उस डाल करके 4 रुपये पहुँचता है।
तो ये बड़ी बड़म्बड़ा की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि कल मुझे बताया जा रहा था, हमारे जो आल पार्टी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बता रहे थे कि इसके लिए अभी हम आगे जो आल पार्टी एसोसिएशन इसके लिए कड़ा से कड़ा आंदोलन करेंगे, जो आंदोलन भी शुरू होगा जो जहाँ जहाँ माइनिंग के जो खुले हुए हैं ब्लॉक वहाँ से शुरू होगा, और वहाँ हमने मरने तक त्याग रखा है सभी ने कि जब तक रेट कम नहीं होगे, चाहे जेल में डालें, चाहे गोली मारें, चाहे कहीं भी फेंक दें, पर ये रेट अब लोगों ने ठान लिया है कि जो गरीब का रेट होता है, वो नाले से बजरी डायरेक्ट मिलती है, उसका चवनी रेट ही कम हुआ, क्रशर के रेट कुछ कम हुए हैं, बाकी वो रेट जो गरीबों के लिए वो रेट कम नहीं हुए हैं। जी, जो रेट के अलावा जो आपके मुद्दे थे माइनिंग को लेकर, क्या उसमें भी कुछ मुद्दे हल हुए हैं या उनमें भी कोई मुद्दा भी हल नहीं हुआ? हाँ जी, कोई मुद्दा हल नहीं हुआ है। हमारे डीसी साहब श्री चरणजीत साहब बहुत अच्छे अफसर हैं और बहुत टैलेंटेड अफसर हैं, बहुत ऑनेस्ट अफसर हैं, लेकिन मेरे को लगा, हमारे को सभी को लगा कि एक पेज के लिए, एक लाइन के लिए या 3 या 4 रुपये रेट कम करना था, उनके हाथ भी बांध दिए गए हैं। और हाथ कहाँ से बांधे हुए वो आप सभी दुनिया जानती है, हाथ कहाँ से बंधे हुए हैं, को मेरे बोलता है गवर्नर हाउस से बंधे हुए होंगे, नहीं तो दिल्ली से बंधे हुए हैं, लेकिन उनके भी हाथ बांध दिए गए हैं। हमें अभी ऐसा लग रहा नहीं, तो इतनी छोटे से काम के लिए 6 महीने साल हो गया है, जबकि कड़की धूप में इतना बच्चे औरतें कितना कटती हुई धूप में बेचारे, हमारे कई एक नेता गिर भी गए उस धूप, तड़की धूप के अंदर, लेकिन बिल्कुल तरस नहीं आया कोई ऐसा जबरदस्त तरीके से वहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर इंटरनल पास हो रखा है, जबकि इसको जो 9 का आंकड़े को टच नहीं करना है। जो भी आपने अभी तक किया उसका कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल असर जो गरीब का असर था वो तो हुआ नहीं है, जो अमीरों को जो पैसे वाले लोग हैं, जो क्रशर की बजरी जो 18 थी 13 होगी वो वैसे कुछ एक चंदे का रेट उसमें, लेकिन रेट वो अभी भी वही लिए जा रहे हैं। वहाँ पे देखो हमारे, मैं तो कहना चाहूँगा, कल मेरी DMO साहब से बात हुई थी, एक्चुअली DMO साहब बहुत अच्छे अफसर हैं और उन्होंने बड़ी तगड़ी हमें बताया कि देखिए जनाब, हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, जिस अफसर के पास स्टाफ नहीं हो तो वो धांधली कौन रोकेगा। वहाँ पे बिना रेट लिखे हुए चलान दे दिए जाते हैं, और उसके बाद में अपनी मन मर्जी से वहाँ रेट भरे जाते हैं, मन मर्जी से सब किया जाती हैं। मैंने कई ब्लैंक पर्चियाँ मैंने सोशल मीडिया में शेयर की थी और इसका संज्ञान लिया, अपना DMO साहब ने संज्ञान लिया इसका, और इसके बाद थोड़ा बहुत करने लगे, लेकिन फिर जैसे थे फिर हो गया। लेकिन हमारी, मैं तो देखा हूँ कल जब मैंने मीटिंग किया तो DMO साहब को रेट तो वो उसके पावर में नहीं है, रेट तो DC सर के पावर में है, जहाँ सेक्रेटरी में पावर में है, तो DMO साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि हमने अभी जब ब्लॉक जो बाकी वाले खुलेंगे उसके ऊपर हम पक्का जानकारी मिली है, कब तक बाकी ब्लॉक भी खोले जाएंगे, ताकि वो बोले जल्दी, उन्होंने टाइम कोई नहीं बताया, डेट नहीं बताया, बोला जल्दी ही बाकी वाले ब्लॉक खुलेंगे, उसके अंदर हम पक्का जो कि मैं अभी तो मेरे को लगा कि SSP सर को ये मैं जिम्मेवारी दे दी है कि करप्शन रोकने के लिए, हम SSP सर को भी अपील करेंगे कि वहाँ पे जो माइनिंग के अंदर वहाँ का जो पुलिस पोस्ट बनाया जाए, जो धांधली वहाँ जो चल रही है वो ना हो, और अगर वो होती है तो भगवान ही मालिक है। मौजूदा समय में क्या आप मानते हैं इलीगल माइनिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट में? कोई फर्क नहीं पड़ा, जो पहले से चल रहा था वैसे चल रहा है, उसमें कोई इलीगली माइनिंग में, कोई भी रेट में, कोई भी किसी किस्म की भी कोई फर्क अभी तक नहीं पड़ा है। क्या उम्मीद करेंगे भाजपा के नेताओं से, क्या करेंगे? मंत्री भी दौरे कर रहे हैं लगातार, लेकिन आप कह रहे हैं कि इलीगल माइनिंग भी चल रही है और ब्लॉक भी नहीं खुल रहे। अच्छा जी, ये तो जो मंत्री जो BJP के है ना, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए पिछले साल भी आए थे। अब मुझे एक मुद्दा बता दीजिए जो कंप्लीट हुआ है उनको, जो मैंने दिए थे 50 मुद्दे, हमने 50 मुद्दे का मेमोरेंडम सबमिट किया था लास्ट ईयर के मंत्रियों को, अब मुझे बता दीजिए सर एक भी मुद्दा कोई सेटल हुआ है? तो ये सिर्फ अपने टूर और 2022 इलेक्शन को लेकर के लोगों को टोटली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, टोटली, और लोग हमारी भोली वाली जनता है वो बेचारी बेवकूफ़ बनती जा रही है, और जय जयकारा होता जा रहा है, मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, BJP जिंदाबाद, कर दो अब पब्लिक रियासी की खुद फैसला करेगी। एक बार तो उन्होंने फैसला करके दिखा दिया पार्टी हेडक्वार्टर में, अगले बार भी मेरे ख्याल अगर नहीं दिखाएगी, फैसला नहीं करेगी, तो फिर तो मैं बोल रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारे यूथ अनएम्प्लॉयड है वो उनके पास कुछ नहीं है, दरिया में नज़दीक ही है, वो वही वहीं छलांग मारेंगे मेरे को लग रहा है 12 तारीख से, और कहीं बेचारे कर भी रहे हैं सुसाइड,
कुछ यूथ के लिए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े नेता उनके बड़े बड़े भाषण देते हैं, मतलब इतने चोपड़ी चिट्टी बातें करते हैं, ओ हो हो, मैं बोलता हूँ लोग मंत्र मोहित हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, नाचते हैं, बोला वाह वाह वाह, लेकिन ग्राउंड में रिजल्ट इज जीरो। आप ये कह रहे हैं कि जितने भी मंत्री आएंगे भाजपा के कोई फायदा नहीं होगा उनका? मेरे को जनाब एक भी बता दीजिए कोई फायदा होगा कोई, तो सिर्फ 2022 के इलेक्शन का ये फंडा है। 2022 या फिर उससे पहले जो है जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हो सकती है? वही 2022 के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने वाली है, ये उसी का ही टूर कर रहे हैं, ये उसी के टूर हो रहे हैं, ये पब्लिक अभी तो पब्लिक जाना माना कर रही है। अब देखिएगा जनाब, जिस पब्लिक डोमेन के अंदर अपोजिशन को नहीं इनवाइट किया जाता है वो अपनी अपनी पीठ तप थपाते हैं, बीजेपी वाले सारे जितने भी नेता हैं वो अपनी पीठ तप थपाते हैं, हम आए ये कर दिया हमने वो कर दिया। ये जो आउटरीच प्रोग्राम हुए हैं क्या आपको भी आमंत्रित किया गया था, या आम लोग क्या समझते हैं आप, इसमें आम लोगों को बुलाया गया था, जानकारी दी गई थी आम लोगों को कि वो भी आए अपने मुद्दे रखें, या चंद नेता ही जो मुद्दे गिनाते हैं वही सुने जाते हैं, उनका भी हल आप कह रहे हैं नहीं होता? मैं कहता हूं नंची जी आपने बहुत अच्छा बहुत बढ़िया सवाल किया आपका, इसीलिए माना जाता है जो मीडिया है चौथा स्टैम्प है, क्या नाम वो जो हम लोग जो शरीफ जो आदमी लोग होते हैं जो हमें बोलने वाले हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन आप हम लोगों को इतना मोराल अप करते हो, वो वहाँ पर पे वही जो बोलने वाले लोग आप देख लीजिए पूरी वीडियो में निकाल के देख लीजिए, जो लोग चुपड़ी चिट्टी बातें करते हैं और पब्लिक उनके साथ मंत्र मोहित होती है उनके भाषणों को, वो उन्हीं को मौका दिया जाता है। हमें चिट्ठी दीप काम को भी दिया, डीसी सर को भी दिया कि जनाब जब तक आप अपोजिशन को नहीं बुलाएंगे, वहाँ डीसी भी खड़ा है, एसएसपी साहब खड़ा है, सब दुनिया एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा है, वहाँ हो रहा है बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद, तो आप खुद मान लीजिए कि तो वहाँ तो बीजेपी का, आप ये कह रहे हैं कि वो भाजपा का कार्यक्रम हुआ, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम नहीं हुआ? पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम नहीं है, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम तब माना जाता है कि जब अपोजिशन को इनवाइट किया जाए, जब अपोजिशन वहाँ पे उनको पता है कि अपोजिशन जहाँ आएगी तो जहाँ सारे इनके पोल खोल देगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, वो आ ही नहीं सकता है, वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर से कलम हाथ बांध दिया जाता है कि अपोजिशन को अलाउड नॉट अलाउड। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद जय श्री।